ये क्या चलो चलो भाई मैं क्या कह रही हूँ सेल तो देखो हम पढ़ते ही पढ़ते कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले आपकी यूनिट जो आती है यही आती है कि आपको सबसे पहले सेल ही पढ़ाया जाता है क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है तो हम भी पढ़ने वाले हैं आपके सेल से ही पढ़ने वाले हैं तो सेल की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है आपके शरीर की ठीक है ये चीज तो ठीक है परंतु ये एक दूसरे टर्म से मैं आपका शेल जो है आज शुरू करूंगी वो है साइटोलॉजी क्या है साइटोलॉजी साइटोलॉजी क्या होता है कि साइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल कैसे बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है क्या क्या कार्य करता है कैसे कार्य करता है ठीक है हर चीज हम वहां पर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं साइटोलॉजी ठीक है अब बात यह आती है कि जब भी हम किसी ब्रांच का नाम पढ़ते हैं तो वहां पे उसके जनक का नाम जरूर पढ़ाया जाता है और साइटोलॉजी के पिता महा यानी कि फादर है रॉबर्ट हुक क्योंकि साइटोलॉजी शब्द भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया था यह भी आप क्या रखेंगे याद रखेंगे और रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया जिसके अंदर यह शब्द जो है इंट्रोड्यूस कराया गया उसके अंदर वहां पर व्याख्यत कराया गया ठीक है तो याद रखना है यहाँ पे माइक्रोग्राफिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों तब आप पढ़ोगे तो ये माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया ही पढ़ा जाएगा ऐसा नहीं पढ़ोगे कि वहां पे आपको छोटे चित्र देखना मिल जाएगा या फिर कुछ और आ जाएगा नहीं ये माइक्रोग्राफिया ही आएगा देवनागरी लिपि जो होती है ना वही चीज आएगी आपकी यहाँ पे ठीक है आगे अगर मैं चलू तो यहाँ पे बात कर लेंगे अब हम प्रॉपर सेल की चलो ओहो एक चीज छूट गई ये तो थी आपकी फादर जो शुरू में बताए गए अब बाद में क्या आते हैं ना आपके स्वान साहब आते हैं कौन आते हैं स्वान साहब आते हैं वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है सेल बुक क्या नाम होता है उसका सेल बुक नाम होता है और उस किताब से इस पुस्तक के लिखने की वजह से स्वानसन को मिलती है रिकग्नाइजेशन यानी कि पहचान और उनको कह दिया जाता है कि देखो पितामह तो रॉबर्ट हुक है परंतु हम आपको क्या करते हैं कि मॉडर्न आधुनिक साइटोलॉजी के पितामह बना देते हैं तो स्वानसन को क्या कहा गया मॉडर्न साइटोलॉजी के पितामह ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने वहां पे एंशियंट सब पढ़ लिया पर हमने हमारे इंडियन की बात नहीं की तो इंडियन साइटोलॉजी के पिताम है ए के शर्मा यानी कि भारतीय साइटोलॉजी के पिता फादर ए के शर्मा याद रखेंगे ये या आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अब आते हैं हमारे बेसिक पे यानी सेल पे देखो आपको पता होगा कि जब आपका घर बनता है तो उसके अंदर छोटे 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 ईटे होती है मतलब इतनी छोटी लिटिल ली नहीं होती थोड़ी इतनी होती है बट ढेर सारी ईटे है ना इतनी सारी ईटें जो बार बार रिपीट मोड पे लगती रहती है एक के बाद एक एक के बाद एक लगती रहती है, लगती रहती लगती रहती पूरा घर बना देती है है ना मान लो आपके पास ईट ही नहीं है तो क्या आप घर बना पाओगे नहीं बना पाओगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अब ये यह बता हम लकड़ी से बना लेंगे उसके लिए भी तुमको लकड़ी चाहिए अगर लकड़ी ना हो तो फिर क्या करोगे तो यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो बार बार क्या करती है रिपीट होती रहती है। रिपीट होती होती रहती रहती है 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 और एक घर का पूरा नक्शा बना देती यानी स्ट्रक्चर पूरा होम वाला बना देती है सेम चीज हमारी लिविंग बॉडीज के साथ होता है जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं उन सभी के साथ यही सेम चीज होती है जीवित प्राणियों के साथ कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ एक ऐसी चीज है जो बार 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 रिपीट होती रहती है ठीक है अब अगर हम बेसिकली बात करें या मूलभूत बात करें तो वहां पे स्ट्रक्चर जो मेन बना बना रही रही है तो वही छोटी चीज होगी ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर किसकी वजह से वो जो बार बार रिपीट हो रही है उसकी वजह से चलो ठीक है अब मैंने मेरा यह हाथ ऐसे किया मैंने यह हाथ ऐसे किया मैंने यह जैसे भी किया हाथ मूवमेंट अब ये मूवमेंट जो मैंने की है ना ये मूवमेंट किसने किया एक्चुअली उसी छोटी सी चीज ने की होगी मान लो वो छोटी सी चीज स्टिफ हो जाए मैं ऐसे जाएंगी अरे अरे मूवमेंट नहीं हो रही वो छोटी सी चीज जो आपकी मूवमेंट भी करती है यानी कि फंक्शन भी वही करती है ठीक है है और वो छोटी सी चीज हमारी लिविंग बॉडी की सेल क्या है सेल तो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि उससे हमारे पूरा बॉडी बन रहा है तो स्ट्रक्चरल यहां से होगी कि भाई आपकी स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक इकाई है सेल जो सबसे छोटी इकाई है ठीक उसके बाद फंक्शनल क्योंकि अगर एक सेल काम नहीं करेगी तो कोई भी चीज कार्य नहीं करेगी बहुत सारी सेल मिलकर कार्य करती है कि ये सेल आया कहां से मतलब की पंगा क्या है सेल मतलब कहां से किसके दिमाग में आई ये जो दिमाग में आती है ये आती है हमारे महाशय के दिमाग में किसके दिमाग में आती है रॉबर्ट हुक के दिमाग में

उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी संरचना वहां पे बनी हुई थी ये ऐसे वाले। तो उन्होंने देखा कि अरे something जो बार-बार हो रही है, जो छोटे छोटे रूम बना रही है जो छोटे-छोटे कक्ष बना रही है उसको उन्होंने कह दिया सेल अब ये सेल जो है आपका कहां से आता है लैटिन वर्ड से आता है जो होता है सेला सेला और सेला क्या होता था लैटिन में सेला होता है कि छोटी छोटी जेल है ना तो उन्होंने उस वर्ड से सेला से एक नई टर्म दी सेल ठीक है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम छोटे कमरे ठीक है बिल्कुल गुड आफ्टरनून आफ्टर बड़े दिनों बाद दिखाई दिए बड़े दिनों बाद दिखाई दिए चलो अगर मैं बात करूं यहां पे रॉबर्ट हुक की तो रॉबर्ट हुक ने जिस समय पे मैंने क्या कहा कि उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा यानी कि कोर उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था परंतु बात यह आती है आपने भी देखा होगा मान लो चंदन घिस्ते ना चंदन मंदिरों में क्या वो चंदन लिविंग होता है नहीं होता शैंपेन की में ऊपर कोक होता है क्या वो लिविंग होता है नहीं होता ना वो डेड होता है होता क्या है एक्चुअली कि जब कोई सेल होता है ना वो डेड हो जाए क्या हो जाए डेड हो जाए डेड हो हो होने के बाद जो उसके अंदर लिक्विड फिल होता है वो सूख जाता है ठीक है और उसकी जगह नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं ठीक है यही चीज रोबर्ट हुक ने देखी तो हम वहां से कह सकते हैं कि रोबर्ट हुक ने जो सेल बताया वो सेल तो सबसे पहले बताया परंतु उन्होंने जो बताया था वो डेड सेल बताया था और ईयर आप लिख लीजिएगा 1665 में बताया था अब बात आती है कि सेल तो उन्होंने डेड बताया है परंतु हम आज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो लिविंग किसने बताया तो लिविंग सेल बताने वाले थे एंटोन वोन ल्यून हॉक फोर में इन्होंने बताया कि भाई आपका लिविंग सेल भी होता है और जो उन्होंने ढूंढा था लिविंग सेल वो एक स्पाइरो था क्या था स्पाइरो था और आप सभी को मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि एंटोन वो लून हो को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं अगर आप सभी को ध्यान है तो गिव मी अप और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि सेशन होने वाला है धमाकेदार ठीक है चलो अरे क्या मतलब आपस में ही बातें लगे हुए हो आपस में ही में बातें लगे हुए ये सही है, चलो, हां जी, बिल्कुल अंकिता पारे अब सेल की हुई है ना? अब सेल के बारे में एक, सी एक चीज बता दी जाती है तो आप उसके बारे में शुरू कर देते हैं पर साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो सेल के बारे में जैसे ही बात बाहर निकली की ओ सेल अब जो है दूसरे साइंटिस्ट आते हैं ठीक है कि भाई हम भी देखते हैं क्या चीज है तो वहां पे आपके तीन साइंटिस्ट आते हैं सबसे पहले तो आपके आते हैं तो हम वहां पे पढ़ते नहीं है बस वैसे बता रही मैं कि जो पहला बंद क्रेडिट हो जाना चाहिए दे देना चाहिए उसको उसके बाद 1838 और 39 में एम जे स्लाइडन आते हैं साथ में उनके दोस्त जो कि थियोडोर सुन आते हैं ये दोनों क्या कहते हैं देखो एक तो होता है इसमें जूलॉजिस्ट ये होते हैं जूलॉजिस्ट और एक होते हैं बॉटनिस्ट यानी एक तो आपके होते जंतु विज्ञान के साइंटिस्ट है ना और एक होते हैं आपके कौन से वनस्पतिक विज्ञान विज्ञान के साइंटिस्ट होते हैं तो ये दोनों आपस में थ्यूरी देते हैं अपनी ये क्या कहते हैं कि भाई आपका जो सेल होता है ना सेल वो सबसे बेसिक यूनिट है क्या कहता है ये आपको कि सेल जो होता है सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है अब एक बात बता देती हूँ फंडामेंटल का मतलब छोटा बिल्कुल भी नहीं होता है या इसका मतलब होता है मूलभूत मूलभूत क्या होता है जैसे कि आपकी नींव मूलभूत क्या होता है जैसे आपके घरों की नींव ऐसे ही सेल को उन्होंने नींव कहा जीवन का ठीक है ये मत सोचना कि उन्होंने छोटा कहा नहीं 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 उन्होंने छोटा शब्द नहीं कहा उन्होंने कहा फंडामेंटल और बेसिक यानी कि मूलभूत नीव है वो आपके जीवन की ठीक है हा बिल्कुल गुड मॉर्निंग रामराज गुड मॉर्निंग ठीक है और उन्होंने क्या कहा और उन्होंने ये कहा साथ में कि भाई फंडामेंटल तो है ही है इसमें कोई डाउट नहीं है कोई संदेह नहीं है परंतु जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से बने हुए होंगे फर्क नहीं पड़ता कोई आपका एक कोष है या बहु कोशिक है वहां पे कोशिका होगी ही होगी और एक चीज तो शायद आप सभी भी जानते हैं एक चीज तो आप सभी भी जानते हैं क्या कि आपकी जो सेल होती है कोशिका होती है ढेर सारी कोशिका मिलकर एक चीज बना देती है क्या उत्तक यानी कि टिश्यू यानी कि क्या बना देती है टीशू बना देती है सेल मिलके। अब फिर जो टिश्यू होते हैं वो ढेर सारे टीशू मिलके आपके क्या करते हैं आपका ऑर्गेन बना देते हैं है ना ऑर्गेन यानी कि अंग बना देते हैं और ऑर्गेन से आपका बनता है ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन सिस्टम आपका बनता है यानी कि अंग तंत्र बनता है फिर लेटर ऑन पूरी बॉडी बन जाती है ये बात आपको ऑलरेडी पता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर कुछ भी अंडरस्टूड सी चीज है ये बेसिक सी है ना अब यहाँ पे एक चीज जान लो कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तक जो होता है टिश्यू जो होता है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है तो आप उत्तक की अध्ययन को या मैं उस स्टडी को कहते हो हिस्टोलॉजी क्या कहते हो हिस्टोलॉजी कहते हो वैसे तो मैंने लिखवा रखी है पर फिर भी एक बार लिख लो इसके अंदर कोई आपको ऐसा संदेह नहीं रहना चाहिए चलो ये तो थी एक दूसरी चीज अब आते हैं मेन चीज पे ये उनका पॉइंट हो गया वाजिब कि दो चीजें उन्होंने कही थी और स्वान और स्लाइडन ने कि भाई सेल जो है फंडामेंटल है मूलभूत इकाई है दूसरा उन्होंने क्या कहा कि हर ऑर्गेनिज्म हर जीव किस चीज से मिलके बना हुआ है सेल से मिलके बना हुआ है अब ये तो थी एक चीज अब उसके बाद हमारे कब हमारे 1855 में एक रुडोल्फ विरचाव नाम के महान आदमी आते हैं वो कहते हैं सेलुला ई सेलुला सबको लगा मंत्र मार दिया बट वो तो था नहीं एक्चुअल में उन्होंने कहा कि सेलुला सेलुला ई जिसका मतलब है का मतलब है जो पहले से ही आपकी एग्जिस्ट कर रही है अस्तित्व में है जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही क्या है अस्तित्व में है सेलुला का मतलब होता है कोशिका यानी कि सेल ई e का मतलब होता है से ठीक है क्या होता है मतलब सेफ फ्रोम ठीक है और सेलुला मतलब फिर सेल इनका मतलब क्या था सेलुला सेल, सेल। यानी कि जितनी भी आपकी कोशिकाएं आती हैं नई से नई वो कहां से आती हैं जो पुरानी कोशिकाएं जो पहले से ही अस्तित्व में होती हैं उनसे बनती हैं ये किसने कहा रूडोसाओ ने कहा कई बार पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट है बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा इसके बारे में पूछे हुए कि इसका मतलब क्या है या फिर ये किसने दिया था तो आप सभी इसको क्या कर लेंगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे ठीक है क्या कर लेंगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने ढेर सारे प्रश्न देखे हैं भाई बिल्कुल देखे हैं हां क्या कर रहे हो चलो अब इन दोनों की एम स्लाइडन और स्वान साथ में रुडोल्फ रूडोल इन तीनों की स्टेटमेंट्स को मिला के आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी दी जाती है क्या दी जाती है मॉडर्न सेल थ्योरी दी जाती है है जिसके अंदर क्या कहा जाता है? वही चीज जो इन्होंने कही थी सबसे पहली चीज कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग वाले सेल से बने हुए होते हैं सभी जीव कोशिका से बने होते हैं भले ही वो आपके एक कोश की है या बहु कोश की है यानी कि मल्टी सेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो दूसरी चीज बेसिक यूनिट है लाइफ की यानी कि मूल इकाई है बेसिक का दूसरा मतलब क्या होता है फंडामेंटल याद रखना इन्होंने कोई छोटी यूनिट की बात नहीं की है इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि छोटी चीज है नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 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 कहा है कि फंडामेंटल है बेसिक है इस चीज को याद रखना कहीं छोटी उसमें कंफ्यूज हो जाओ ठीक है हाँ पूर्ववर्ती जो पहले से ही अस्तित्व में है उसके बाद उनका तीसरा पॉइंट क्या था रुडोस वाला कि सेल, जो आती है, सेल से आती है, है। तीनों पॉइंट हो गए कवर हमारे। अब एक बार पूछ ली जाती है आप लोगों से इन्होंने इतना पढ़ा इतना मतलब ज्ञान अर्जित किया डिस्कवरीज की हाउ मतलब चीज कब पॉसिबल हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से यह आपका प्रश्न आ जाता है यहीं पे लिखवा देती हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आपका आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के होते ही आपके क्या होते हैं जो पूरी की पूरी बायोलॉजी वाली ब्रांच होती है ना बायोलॉजी के अंदर तक से मतलब पूरे इसके अ, मैं क्या कहूं बायोलॉजी की जो भी बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट थे उनके अंदर एक मतलब अद्भुत सा तोहफा था कि भाई इतनी मस्त चीज हमको मिल गई थी तो हम ढेर सारी छोटी छोटी चीजों जो आंखों से नहीं देख पाते वो देख पाएंगे है ना और कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि भाई ये डेवलप किसने किया था तो याद रखना इसको डेवलप करने वाले थे नोल और रस्का, जो कि कहा के थे, जर्मनी के थे कई बार पूछ लिया जाता है ये यहीं पे लिखवा देती हूँ क्योंकि ना आप धीरे धीरे यहीं पे कर लोगे तो ही आपको फायदे में रहोगे ठीक है 1932 के अंदर इसको ढूंढा गया था

आपकी सेल देखो हर किसी चीज का ना आप मापते जरूर हो कुछ भी चीज हो मापते हो ना आपकी हाइट कितनी फिट मेरी जो है पांच छ फिट पांच पॉइंट छ है ना पांच छे जिसको बोलते हो या फिर कोई लड़का है छ फीट का है पांच ग्यारह का है पांच दस का है पांच का मापते जरूर हो ना हर चीज की मापन करते हो इवन रू रूम तक तुम मापते हो हर चीज की आप इकाई लेके चलते हो मीटर है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है हर चीज को मापते हो तो सेल को भी मापते हैं और सेल को जो हम मापते हैं वो मापते हैं माइक्रोमीटर में जिसको हम क्या कह देते हैं माइक्रोन भी कह देते हैं अब आप सोचोगे मैम माइक्रोमीटर कितनी छोटी इकाई होगी मिलीमीटर सुना है ना मिलीमीटर मिलीमीटर तो आपने जरूर सुना होगा उस मिलीमीटर का एक हजारवा हिस्सा यानी कि मैं लिख सकती हूं वन बाय थाउजेंड मिलीमीटर ये आपका क्या होता है एक माइक्रोन होता है एक माइक्रोमीटर होता है इतना छोटा होता है आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते उसको ठीक है हाँ और एवरी डू लाइक द सेशन डू लाइक द सेशन इट्स अंजोचरी पहले आते यही करा करो एक तो चलो ये तो पता चल गया कि आपका यहाँ पे किस में मापा जाएगा माइक्रोन में मापा जाएगा माइक्रोमीटर में मापा जाएगा अब कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो आपका सेल है सबसे बड़ा सेल कौन सा है सबसे छोटा सेल कौन सा है तो भाई याद रखना जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ओस्ट्रिच का अंडा ओस्ट्रिच एग सतुरमुर्ग का अंडा और जो छोटा होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा जो आपका 0.2 से 0.5 तक वैरी करता है पर हम 0.3 माइक्रोन जो है है इसका लेते हैं ठीक आपको मैं बता दू इस क्योंकि इसके बारे में आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ये खास है खास क्यों पहली चीज ये आपका जो माइकोप्लाज्मा है इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं पीपीएल पीपीएलओ -पी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है प्लूरो निमोनो लिख लेना इंपॉर्टेंट है निमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म प्लूरोनो निमोनो लाइक ठीक है इसी को दूसरा नाम हम एम एल ओ भी कह देते हैं इसको दूसरा क्या कह देते हैं एम एल ओ मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म के जैसा जीव ठीक है ये तो कितने नाम होंगे एक दो तीसरा माइको कई बार एक दूसरी चीज भी पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है अभी आपको मैं बताती हूं। देखो आपका ये जो है ना ये एक बैक्टीरिया है क्या है ये माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है अब सीधी सी बात है अगर बैक्टीरिया है तो प्रो होगा है ना क्या होगा प्रो कैरियोट होगा माइको प्लाज्मा है एक आपका बैक्टीरिया जो कि बिलोंग करता है मोनेरा किंगडम से सीधी सी बात है किससे करेगा मुनारा किंगडम से बिलोंग करता है मुनार मुनारा जगत से संबंधित है ये ठीक है

करता है इसी प्रकार से रैंडम मूवमेंट आपका माइक्रोप्लाजमा करता है इसीलिए क्योंकि आकार बदलता रहेगा कोशिका भित्ति है नहीं इसके पास तो हम इसको एक नाम और दे देते हैं जिसको कहते हैं जोकर ऑफ किंगडम क्या कह देते हैं किंगडम का जोकर हम इसको कह देते हैं और इंपॉर्टेंट है इसको लिख लो कोई बताएगा नहीं फिर बाद में फिर कहोगे मैम हमने तो इसको ध्यान दिया ही नहीं हर छोटी से छोटी चीज बता रही हूं बाद में मत कहना ये छुट गया वो छुट गया ठीक है हां चलो हो गया यहां तक अगर यहां तक क्लियर है तो मुझे बता देंगे थम्स अप करके कि हम जी हमको क्लियर है सो so देट मैं आगे चलू चलो फटाफट बताओ फटाफट बताओ चलो अब बात आती है ह्यूमन बॉडी की इंसानी शरीर की कि इंसान के जो शरीर होता है उसके अंदर आपका छोटा सेल कौन सा है बड़ा सेल कौन सा है लंबा सेल कौन सा है हर चीज ठीक है तो सबसे पहले अगर कर बात करो कि जो लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा होता है वो होता है ह्यूमन न्यूरोन जो आपका एक मीटर तक लंबा होता है ठीक अब बात आती है सबसे बड़े की सबसे बड़ा कौन सा होता है सबसे बड़ा आपका जो सेल होता है वो होता है अवम जिसको हम कहते हैं अंडाणु और आपको ये पता है अंडाणु जो है मादा के अंदर होती है फीमेल के अंदर होता है ठीक है अब लॉजिक चीज बताऊंगी आपको आगे है कि सबसे जो आपका छोटा होगा स्मॉलेस्ट होगा वो कौन सा होगा वो होगा शुक्राणु यानी कि स्पम अब बात ऐसी है ये आपकी मेल के अंदर होगा यानी कि नर के अंदर होगा अब एक बात बताओ मुझे छोटी सी ये मतलब कोई टीचर मुझे नहीं लगता आपको बताता होगा वाई टी पे तो एटलीस्ट नहीं बताता होगा किस में होता है मेल में में ना तो तो फीमेल होगा ही नहीं तो फीमेल में छोटी कोशिका होगी भाई कौन सी होगी हो फीमेल में छोटी कोशिका सोचने वाली बात है चलो ठीक है अब बात कर लेते हैं बड़े की लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट में अवम फीमेल में होता है मेल में नहीं होता तो मेल के अंदर बड़ी कोशिका कौन सी होगी सोचने लायक बात है कि यहां पे तो हमको बस ये पता चला है कि अवम जो है लार्जेस्ट है परंतु मादाए में है ये तो नर में तो है ही नहीं तो नर में कौन सी बड़ी कोशिका होगी सोचो नर में कौन सी बड़ी कोशिका होगी अगर किसी को पता है तो बता सकता है अगर किसी को पता है तो बता सकता है कि भाई आपकी कौन सी वहां पर चीज आ जाएगी लिख लेते हैं कि मेल के अंदर लार्जेस्ट क्या होगी लार्जेस्ट किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है नर में बड़ी कोशिका नर के अंदर जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है मोटर न्यूरोन कौन सी होती है वैसे तो न्यूरो लंबी भी होती है परंतु बड़ी की अगर आकार में बड़ी की भी बात करूं तो उसके अंदर भी आपका वही काउंट हो जाएगा तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि मोटर न्यूरोन जो है इसके अंदर सबसे बड़ी हो जाएगी ठीक है अब बात करें हम यहां पे नीचे चलो कि भाई फीमेल जो होगी फीमेल के अंदर छोटी कोशिका कौन सी होगी फीमेल के अंदर छोटी कोशिका कौन सी होगी तो यहां पे आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके थोड़े से क्लैश हैं वो किस चीज के कोई तो कहता है कि सैरी बैलम क्या सेरीबैलम जो होता है सैरीबैलम के ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो उसके जो सेल होंगे वो सबसे छोटे सेल होंगे और कोई कहता है कि प्लेटलेट जो होती है ना प्लेटलेट ये प्लेटलेट सबसे छोटी होती हैं बट अगर हम साइज को कंपेयर करें तो आपकी प्लेटलेट्स ही एक्चुअली छोटी होती है तो आपको अगर कुछ ऐसा मिलता है एग्जाम एग्जाम में तो आप कुछ किसी भी एक को टिक कर सकते हैं अगर दोनों है तो वहां पे प्लेटलेट को टिक कर सकते हैं आई होप ये आपको पहली बार किसी ने बताया होगा अगर बताया है पहली बार किसी ने और अच्छा आपको लगा है तो लाइक सेशन ठीक है क्योंकि यही से तो आपको जोश मिलता है हमको भी और आपको भी चलो अब ये तो बात होगी छोटी बड़ी की अब दूसरी बात कर लेते हैं कि यार एक चीज बताओ मुझे सिंपल सी हम छोटे से होते हैं छोटे से फिर इतने बड़े इतने बड़े फिर इतने लंबे मतलब साढ़े पांच के हो जाते हैं है ना कैसे हो गए सेल डिवाइड करते होंगे विभाजित करते होंगे तो जो सबसे तेजी से विभाजित करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं तो वो कोशिकाएं होती हैं आपकी लीवर की कोशिकाएं कौन सी हो जाती है यकृत कोशिकाएं हो जाती हैं परंतु तो कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होंगी जो डिवाइड ही नहीं करती जैसे कि आपकी ब्रेन सेल और साथ में यहाँ पे नर्व सेल भी डालने लेना कि नर्व सेल भी कभी विभाजित नहीं करती हैं ठीक है ठीके? तो आपकी यहाँ पे क्या करेंगे इसको नोट डाउन भी कर लेंगे और पीपीटी आपको मिल जाएगी तो टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है ठीक है चलो आई होप यहाँ पे आपको ये सारा का सारा जो है समझ में आ गया होगा अगर ये समझ में आ गया तो थम्स अप ठीक है रियली आगे बात करते हैं आपके टाइप्स की अब चलो इसको कर लेते हैं बात आप जनरली दो चीज सुनते हो कि कोशिका जो है प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट है डिफरेंस क्या है दोनों में फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मैम प्रोकैरियोट जो होती है एक कोश की होती है यूकैरियोट जो होती है वो आपकी बहु की होती है मतलब एक ही चीज है वो तो ये एक ही चीज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग चीजें हैं देखो आपकी कोशिका दो प्रकार से होती हैं एक होती हैं प्रोकैरियोट एक होती है यूकैरियोट इन दोनों में अंतर क्या है ठीक है अंतर ये है कि भाई ये जो आधार है ना इनका अंतर करने का ये आधार है आपका न्यूक्लियस के ऊपर यानी कि के केंद्रक के ऊपर केंद्रक के ऊपर है ये दोनों के दोनों केंद्रक जो है आधार बना रखा है इन दोनों के विभाजन का इन दोनों के जो टाइप्स बताए हैं उसका बेसिस क्या है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर केंद्र की संरचना कैसे देखो कोई भी चीज तब आपको मैंने बताया था कि अगर आप कोई पहले बच्चा मुझसे पढ़ा है तो मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था कि चीजें धीरे 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 बनती हैं अब वो धीरे 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 बनती हैं तो ऐसी तो चीज होगी ना कि अब मान लो आप कोई सूट सीते हैं तो पहले सूट को काटेंगे फिर कहीं निशान लगाएंगे फिर उसको बनाएंगे ऐसे करते हैं ना तो वही स्टेप कुछ यहाँ पे भी होंगे कि कुछ आपके छोटे छोटे फेजेज में यहाँ पे चीजें चल रही होंगी ठीक है तो प्रोकैरियोट क्या होता है तब शुरू में जीवन आया ही आया था धरती के ऊपर तो वहां पे जो था, वो सुविकसित नहीं था क्या कहा मैंने केंद्रक जो है यहां पे सुविकसित नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूं कि भाई केंद्रक जो है क्या है अविकसित है कैसा है अविकसित है यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं है प्रोकैरियोट का मतलब ही यही होता है कैरियोट का मतलब क्या होता है कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस और आपका प्रो का मतलब क्या होगा पहला प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव पुराना ठीक है और यहीं पे नमस्ते भाई नमस्ते सुनील यही सुमित यहीं पे अगर बात करो यू कैरियोट की तो यू कैरियोट का मतलब क्या होता है यू का मतलब होता है ट्रू या फिर कहो वेल डेवलप्ड और कैरियोट का मतलब यानी कि कि के अंदर जो केंद्रक केंद्रक का आधार है है वो कैसा है कि यहां पे अच्छे से विकसित नहीं है नहीं है वेल नहीं है। वहीं पे के अंदर वो चीज अच्छे से डेवलप्ड है यानी कि केंद्रक अच्छे से डेवलप्ड है अब इस चीज का मतलब क्या है अच्छे से डेवलप्ड नहीं है और डेवलप है अब मैं आपको बता देती हूँ छोटी सी चीज बिल्कुल छोटी सी चीज जैसे कि अगर मैं बात करती हूं केंद्र की तो मान लो ये आपका सेल है ठीक है इस सेल के अंदर यहां पे केंद्रक है ठीक है इस केंद्रक के बाहर आपके पास केंद्रक केंद्र की जो मेम्ब्रेन होती है वो जरूर होती है ठीक है ये केंद्र की मेम्ब्रेन है और ये केंद्र की मेम्ब्रेन जो है कहीं कहीं से ऐसे कटी फटी सी है कैसे है कहीं कहीं से कटी फटी सी है जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से ड्रॉ करके ऐसे ऐसे ठीक है अब एक बात बताओ घर तो हमारे पास है घर के दरवाजे नहीं है तो कोई भी कहीं से एंट्री ले लेगा ना तो ये आपका न्यूक्लियस अच्छे से बना कहा नहीं बना ना तो यही चीज आपके किस में होती है यही चीज होती है प्रोकैरियोट्स में कि यहां पे क्या होएगा आपका अच्छे से न्यूक्लियस नहीं होगा अगर वहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप हो भी रहा है मेम्ब्रेन वहां पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रेजेंट भी तो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगी पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी याद रखेंगे इस चीज को ठीक है ओके हेलो विराट ओके आ गए चलो ठीक है आगे पढ़ लो नमस्ते भाई नमस्ते इस चीज को छोड़ो यहाँ पे आ जाओ सेशन को लाइक करते रहो आगे से आगे बताते रहो कि आपको क्या पता है अब जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि सुविकसित है सुविकसित नहीं है, तो यही पे एक चीज अपने आप ही आ जाती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक की जो झिल्ली होती है यहां पे पूरी होगी रेगुलर होगी नियमित होगी ठीक है यू कैरियट में परंतु प्रो कैरियट में वो चीज नहीं होगी केंद्रक की झिल्ली कैसी होगी या तो होगी ही नहीं एबसेंट होगी अनुपस्थित होगी या फिर अनियमित होगी यानी कि इरेगुलर होगी दूसरी चीज ठीक है आधार न्यूक्लियस का है याद रखना कई बार पेपर में पूछा जाता है उसके बाद आपका जो तीसरा आ जाता है पॉइंट क्या कि ऑर्गेनैली होती हैं छोटी छोटी चीजें होती हैं। बोला जाता है ना कई बार प्रश्न भी आपसे पूछा जाता होगा एक कोशिका है उस कोशिका के अंदर दूसरी जीवित जीव है दूसरा जीवित जीव है वो जो कोशिका के अंदर दूसरा जीवित जीव है वो कोशिकांग को कहा जाता है किसको कहा जाता है कोशिकांग को ऑर्गेनैली को कहा जाता है उन ऑर्गेनैली की अगर मैं बात करूं तो प्रो के अंदर कोई भी ऑर्गेनैली नहीं पाई जाती है कोई मैंने क्या कहा कोई भी ऑर्गेनैली नहीं पाई जाती है ठीक है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनैली एक्सेप्ट राइबोसोम अब थोड़ी मोड़ी तो होंगी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही है मतलब अपने उस पे चलेगी वो जो आपकी ऑर्गेनैली नहीं होगी ना वो कैसी होंगी उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी मेम्ब्रेनस नहीं होगी ठीक है ऐसे ही फ्री अपने आप मतलब ऐसी बात है कि बिना कपड़ों के कोई एक घर में घूम रहे हैं ऐसा इनका हाल है ठीक है यानी कि मेम्ब्रेन नहीं है वहां पे, ठीक है बाहर की कवरिंग नहीं है तो एक ऐसी, है, एक ऐसी है जिसका नाम है, 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 तो है यूनिवर्सल हर किसी में पाई जाती है तो वो आपकी पाई जाती है राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट में भी मिलेगी और यूकैरियोट में भी मिलेगी और दोनों में कैसे मिलेगी कपड़े पहने हुए यानी कि मेम्ब्रेन के साथ किसके साथ साथ के ठीक है याद रखना इस चीज को और राइबोसोम है सबसे छोटी ऑर्गेनाइली भी होती है आपकी ये भी आप याद रखेंगे ठीक है ठीक है चलो अब आ जाते हैं आगे अगर मैं इसकी बात करूं ये तो आपको पता ही चल गया होगा खैर आपको भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी जैसे कि बात करूं प्रो कैरियोट के अंदर आपके यहाँ पे सेवेंटी एस राइबोजो राइबोजोम ये अलग अलग होते हैं ठीक है यहाँ पे जो मिलेंगे एटी एस वाले, वाले राइबोजोम मिलेंगे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप देख लो यू कैरियोट में खुद को ही देख लो और प्रो कैरियोट में बैक्टीरिया को देख लो एक आपकी आपका ना नाम आता है ब्लू ग्रीन एलगी साइनो एक ही चीज के नाम है किसके नाम है एक ही चीज के नाम है जो कि लिंक है यू कैरियोट और प्रो के बीच में क्या नाम बताया मैंने उसका अभी अभी मैंने कहा साइनो जिसको हम एक शब्द और कह देते हैं यानी कि ब्लू ग्रीन एलगी भी हम उसको कह देते हैं याद रखेंगे इस चीज को इंपॉर्टेंट है ये आपका लिंक है दोनों के बीच की संयोजी कड़ी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की ठीक है हर किसी के लिए है हर किसी के लिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो यहां से पढ़ लोगे ना बेटा आपको कुछ छूटेगा नहीं हर चीज मैं कराऊंगी छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी डजेंट मैटर तो आपके एग्जाम में वो है या नहीं है परंतु तो मैं से तैयार कराऊंगी कोई एग्जाम में जाना साइंस नहीं छूटेगी आपकी मेरे को बड़ा मन था कि मैं थ्यूरी कराऊं बच्चों को और मुझे अभी चांस मिला है तो मैं थ्यूरी बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ शानदार तरीके से ठीक है एक एक चीज बताऊंगी भले ही आप बोर हो जाए पर मैं बताऊंगी जरूर चलो हो गया सबको क्लियर अगर किसी को कोई डाउट है प्रो कैरियोट में और यू कैरियोट में मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ बस एक मिनट दे रही हूं सबको एक मिनट दे रही हूं हाँ एक चीज याद रखना यह मत सोचना कि प्रो कैरियोट के अंदर डीएनए नहीं होगा या फिर आपका यू के अंदर होगा डीएनए दोनों में होगा यहां पे हिस्टोन वाला प्रोटीन नहीं होगा यहां पे हिस्टोन प्रोटीन होगा यह बेसिक चीजें हम बाद में करेंगे अरे वो तो बाद में बात है ना एसीआरआर ई आर की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ाऊंगी क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके okay, बहुत सही चलो ठीक है अब चीज याद रखना कि प्रो जब भी विभाजन करते हैं कभी भी सेक्सुअल वे से नहीं करते हैं लैंगिक तरीके से नहीं करते हैं यहाँ पे फिजन होता है क्या होता है फिजन होता है बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन विखंडन होता है ये चीज याद रखना ठीक है ओके अरे भाई इतनी राइटिंग खराब है मैं बहुत कुछ लिख लेती हूँ अब इसके अलावा भी और सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है एक यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है आपके यूकैरियोटिक सेल में कभी भी मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला या फिर सीलिया नहीं पाए जाते हैं क्या कहा मैंने कभी भी यू कैरियट यू कैरियोट कोशिकाओं में ना तो फ्लैजिला पाए जाते हैं ना ही सीलिया पाए जाते हैं फ्लैजिला जिसको आप क्या कह देते हो कशाभिक कह देते हो कि कशाभिक और सीलिया मौजूद नहीं होते हैं यहाँ पे परंतु वही कशाभिक और सीलिया प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दू आपका कि कशाभिक और साथ में सीलिया ये दोनों ही चीज यहाँ पे पाई जाती हैं किसमें प्रोकैरियोट में यहां पे नहीं पाई जाती हैं परंतु एक अपवाद यहाँ पे भी आता है स्पम शुक्राणु किसका शुक्राणु शुक्राणु एक ऐसा कोशिका है जिसके अंदर पीछे क्या होती है पूछ यानी कि फ्लैजिला ठीक है तो शुक्राणु यहाँ पे क्या हो जाता है इसका अपवाद हो जाता है याद रखना इस चीज को ठीक है और ये तो कशाबिक के लिए था अपवाद ऐसे ही सीलिया के लिए भी अपवाद है और वो सीलिया कहाँ पे पाया जाता है सीलिया पाया जाता है मानव का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना फीमेल में फेलोपियन ट्यूब आपको कुछ ऐसा मैंने दिखाया हुआ है बताया हुआ है है ना ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर आपका आता है इधर से इधर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यहां पे ऐसे उंगलियां ओवरी उंगलिया ओवरी तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना यहां पे छोटी 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 सीलिया पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है सीलिया ताकि जो यहां से अंडा ये कैच करे वो पीछे पहुंचा दे ठीक है बस फिलहाल के लिए इतना याद कर लो बाकी हम ये सारा करने वाले हैं डरना नहीं है ठीक है तो आपकी सीलिया भी एक अपवाद पाया गया है और आपका कशाबिक का भी एक अपवाद है ये भी आप लिख लेंगे ठीक है अब यहां पे आ जाओ प्रोकैरियोट में मैंने कहा कि यहां पे सीलिया भी मिलेंगे कशाभिक भी मिलेंगे साथ में जो इनकी बाहर सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट की वो एक आपके बाहर स्लाइम लेयर से बनी हुई होती है एक चिकनी चिपचिपाहट भरे पदार्थ से बनी हुई होती है ठीक है जिसको हम नाम दे देते हैं कैप्सूल का क्या नाम दे देते हैं उसको कैप्सूल कह देते हैं यानी कि आपको यहां पे ये वाला दिख रहा है पिंक वाला ये पिंक वाला जो पिंक वाला पोर्शन है बाहर मोटी सी पट्टी इसको हम कहते हैं कैप्सूल जो बाहर का आवरण होता है बाहर का आवरण होता है उसको कहते हैं पिलाई या फिर कैप्सूल कैप्सूल सॉरी जिसको हम कह देते हैं ठीक है, है? है। और साथ में एक चीज जो आप याद रखेंगे क्या याद रखेंगे कि प्रो कैरियोट में यानी बैक्टीरिया में जितने भी होंगे सबके अंदर जो कोशिका भित्ती होती है वो आपकी बनी होती है पैप्टीडोग्लाइकन से किससे पैप्टीडो से ग्लाइकन से और इसी का दूसरा नाम है म्यूरिक एसिड क्या नाम है इसी का दूसरा नाम म्यूरिक एसिड इसी का दूसरा नाम है इस चीज को याद कर लेंगे सभी के सभी बच्चे क्योंकि यह है एक इंपॉर्टेंट चीज ठीक है मानव शरीर की कही है मैंने विराट मैंने मानव शरीर के लिए आपको अपवाद बताया है वो वो अपवाद जो मैंने आपको बताया है कशाबिक का शुक्राणु का वो पाया जाता है आपका किसके अंदर मानव शरीर में ठीक है हा बिल्कुल चलो आई होप आपको यहां इनका जो है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ठीक है अब अगर बात करूं पार्ट्स की घटक की मैं बात करूं कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है जरा उनकी हम बात कर लेते हैं घटक जिसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट या फिर पार्ट्स की मैं बात कर लेती हूं यहां पे ठीक है तो सबसे पहले आपके घर में क्या होता है मतलब सिंपल सी चीज घर के चारों तरफ एक दीवार ताकि घुसपैठ ना हो उसके बाद फिर छोटे छोटे कमरे जैसे बेडरूम किचन टॉयलेट अलग अलग पोर्शन होते हैं ना फिर उसके अंदर आप रहते हो 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 खाते हूं, पीते हूं, खाना बनाते है 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 ना ना सामान भी होता होता दूसरा है ना? गेस्ट भी आते हैं घर में बहुत सी चीजें होती हैं सेम चीज यहाँ पे सेल के अंदर भी होती है यहाँ पे भी एक बाहर का आवरण होता है क्या होता है एक बाहर का आवरण होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल क्या कह देते हैं उसको हम सेलवोल कह देते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेलवोल जो होती है वो आपकी किसने ढूंढी थी रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी क्योंकि उन्होंने जब ढूंढा तो डेड ढूंढा और जो डेड उनको मिला था वो वहां पे कोशिका भित्ति के ही आपके अवशेष थे ठीक है तो डिस्कवर की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा ठीक है और आपका सेलवोल का जो काम होता है ना वो काम क्या होगा जो मैंने अभी भी बताया घुसपैठ से बचाना यानी बाहर से जितने भी क्या आते हैं पैथोजन आते हैं क्या आते हैं पैथोजन आते हैं या फिर आप कह लो कि आपके जितने भी कीटाणु रोग रोगाणु कीटाणु रोगाणु जितने भी बाहर से आते हैं सारे के सारे उस वॉल के जरिए आपकी एंट्री नहीं ले पाते हैं ठीक है अगर वो ना हो तो आपका कोई भी शरीर में घुस जाएगा कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस और आपको इन्फेक्ट कर देगा परंतु आपको नहीं मतलब जिसके अंदर सेलवोल प्रेजेंट है परंतु अगर सेलवोल प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन सुरक्षा सुरक्षा का काम कोशिका भित्ति का होता है क्या होता है सुरक्षा का काम कोशिका भित्ति का होता है सेल प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे होता है एक खास चीज कोशिका भित्ति के बारे में क्या है कि कभी भी एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है किसके अंदर एनिमल सेल में एनिमल किंगडम किंगडम कितना वास्ट वास्ट है उस पूरे वास्ट के अंदर कभी भी आपका सेल कोशिका आ, सेल वॉल नहीं मिलेगी कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी जो कि यहां पे लिखा हुआ है नोट फाउंड इन एनिमल किंगडम अब यह बात भी जान लो कि कोशिका भित्ति आपकी हमेशा डेड होती है क्या होती है डेड होती है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है फंजाई की बताओ बैक्टीरिया की बताओ एलगी की बताओ प्लांट्स की बताओ तो वो कुछ पॉइंट्स है जरा यहां पे हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं ठीक है कंपार्टमेंट सिस्टम सिस्टमली माहिरा शर्मा मैंने वहां पे एक चीज कही थी कि मैमब्रेन बाउंड चीज नहीं है जब किसी और घरियालीब्रेन ही नहीं होगी उसका बाहर का आवरण ही नहीं होगा तो वो दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएगी प्लीज इसको दिमाग में रखना

की तो एल्गी के अंदर आपका क्या होता है शवाल के अंदर क्या होता है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों ही चीज होती है सेलुलोज होती है आपकी 45% और हेमीसेलुलोज होती है 55% इस चीज को याद रख लेंगे साथ में ही आपका कहीं लिखा हुआ है सिलिका जो कि डाई डायएटम के अंदर पाया जाता है और डाई डायएटम जो क्या होते हैं आपके जो समुंदर के अंदर तली में बिल्कुल पाए जाते फाइटोप्लांकटोन्स उनको कहा जाता है एटम्स सॉरी डायटम्स ठीक है हाँ इसको याद रखना यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा एक प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से बता रही हूं पहले कहीं बाद में सोचो कि मैम ये क्या था इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है यहां से देखो सेलुलोज इन प्लांट पेप्टाइडोग्लाइकिन इन बैक्टीरिया काइटेन इन फंजाई और इन एलगी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना इनको बहुत अच्छे से याद रखना ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग याद रखना इसको एवरी वन डू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक द सेशन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन डू लाइक द सेशन ठीक है चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज कही है कि आपके एनिमल किंगडम के अंदर ये नहीं पाई जाएगी तो एनिमल किंगडम के अंदर ये नहीं पाई जाएगी तो हम हमारे एनिमल किंगडम में फिर बाहर का आवरण कौन सा हो जाएगा सोचने वाली बात है फिर हमारे एनिमल किंगडम के अंदर बाहर वाला आवरण कौन सा हो जाएगा अगर सोचने वाली बात है तो हम उसको क्या कर लेते हैं भाई सोच लेते हैं कोई बात नहीं चलो सोच लेते हैं तो हमारी आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ठीक है तो याद रखना इस चीज को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल किंगडम की तो सबसे पहली होती है ठीक है लिख दो तो यहां पे आपको मैं लिख दो एनिमल किंगडम जो होता है एनिमल किंगडम के लिए तो आपकी क्या होती है आउटर होती है सबसे पहली ही बाहर वाली होती है परंतु जो आपके एनिमल किंगडम वाले नहीं है जिनके पास ऑलरेडी कोशिका भित्ति है उसकी जो ये है सेकंड आउटर मोस्ट होती है दूसरी बाह्य कवर होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है और किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है इसके लिए जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके लिए एक आपको मॉडल भी दिया गया है कौन सा मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल देखो यहाँ पे जो आपकी कोशिका भित्ति है ना वो आपकी दूसरी चीजों से मिलके बनी थी परंतु कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वहां पे कंपोजिशन प्रोटीन की और फोसफोलिप की ही होती है थोड़ा बहुत वहां पे क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है परंतु वहां पे फोस्फोलिपिड और प्रोटीन ही रहेगी ठीक है और आपका इस चीज के लिए मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल भी दिया गया था जिसका नाम था फ्यूड मोजाइक मॉडल कई बार पूछ लिया जाता है याद रखना इसका नाम ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं उसी के बाद अगर बात करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कोई भी ऑर्गेनाली है तो उसके बाहर भी प्ला, उसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगी आपकी खुद की सेल है उस सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन होगी यानी सेल है इसके मैमब्रेन प्लस इसमें छोटी छोटी जो है उनकी भी होगी तो सब, की सब एक चीज से मिलकर बनी है, में दो प्रकार की होती है या तो वो होती है, या वो होती है पारगम्य और चुनिंदा पारगम्य याद रखना दोनों ही चीजें आपकी अलग है अर्ध पारगम्य अलग चीज होती है और आपका चुनिंदा पारगम्य यानी सेलेक्टिवली परमिएबल अलग चीज होती है जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ आपकी जैसे कि आप जान पहचान वाला व्यक्ति होता है वो आ जाता है और आके बैठ के बात कर लेता है किसी को कोई काम है, तो आएगा वहां बैठेगा और चला जाएगा होता है यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ठीक है अब मान लो उस व्यक्ति को आप अपने स्टोर रूम में तो नहीं लेके जाओगे लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे आप उसको बताओगे कि हमारे घर में कितने पैसे हैं कहाँ पे रखे हैं बताओगे नहीं ना बाहर की बाहर आया आंगन में बैठाया चाय पानी पिलाया बाहर हो गया ऐसे होते हैं परंतु तो कुछ खास भी होते हैं आपके जिसको आपकी पूरी फैमिली का सब पता है कहाँ पे आपकी क्या चीजें रखी हैं कितना आपका कर्जा है कितना आपका कर्जा नहीं है पैसा कितना है कितना नहीं है है ना किससे अफेयर है किसके दो अफेयर है कोई ऐसा दोस्त भी होता होगा देखो दोस्त बहुत सारे होते हैं परंतु बेस्ट फ्रेंड कुछ ही होते हैं समझ रहे हो है ना कांड दो बेस्ट फ्रेंड कोई पता होता है बाकी हेलो हाय तो सबसे होती है तो वही चीज आपकी यहां पे फर्क होती है वो हेलो हाय सबसे हो ना बस कुछ लोगों से हेलो हाय कर दी वो आपकी सेमी परमिएबल होगी कुछ लोगों को जानते हो आप फ्रेंड बोल सकते हो दोस्त बोल सकते हो ठीक है परंतु जो आपके बीएफएफ होते हैं बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होते हैं वो आपके सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं चुनिंदा लोग जैसे आपके जीवन में कुछ चुनिंदा लोग होंगे ऐसे ही आपके मेमब्रेन भी कुछ चुनिंदा चीजों को ही पास करती है तो याद रखना दोनों ही नेचर यहाँ पे होती है डेली क्लास आपकी बारह बजे होती है भाई किस टाइम पे डेली क्लास तो बारह बजे हुआ करेगी आपकी ये ठीक है ओके okay. हां लिपिड के समुन्द्र में प्रोटीन प्रेजेंट या प्रोटीन के समुद्र में लिपिड प्रेजेंट या आपको पढ़ना नहीं है बट ठीक है वो वेरी गुड आपको पढ़ा है इसका मतलब कि ये याद रखना बस नाम नॉम मोजाइक मॉडल होगा उसका ठीक है मजा आ गया शिनचैन को तो है शिनचैन अब ये नहीं पता मुझे लड़का है लड़की है पर मुझे बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया ये पहले लैब असिस्टेंट में आता था है भाई चलो आगे चलते हैं इसी के बाद अब इसके बाद क्या चीज आएगी देखो घर था आवरण बना लिया ठीक है दो आवरण हो गई अब उसके अंदर <coughs> पूरी सेल में एक चीज भरी हुई है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है लिक्विड लाइक चीज है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है ठीक है अब चलो कुछ बच्चे सोचते हैं मैम प्रोटोप्लाज्म में मतलब हमने तो साइटोप्लाज्म सुना है और न्यूक्लियोप्लाज्म सुना है ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है इसकी हम बात कर लेते हैं जरा मान लो जस्ट मान लो ठीक है फिलहाल के लिए मान लो Hmm. ये सेल है सेल वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत कंडेस्ड आप उसमें चिपकी हुई है बस मान लो अब इसके अंदर यहां पे एक न्यूक्लियस बैठा है केंद्रक बैठा है ये क्या है केंद्रक बैठा है और दूसरी भी छोटी मोटी ऑर्गेनालीज हैं यहां पे ठीक है और भी हैं ऑर्गेनाइलिस ढेर सारी ऑर्गेनालीज है अब यहां पे होता क्या है कि इस केंद्रक के बाहर क्या कहा इस केंद्रक के बाहर और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे लिक्विड भरा हुआ होता है ठीक है इस लिक्विड को हम कहते हैं सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि हम उसको कह देते हैं साइटोप्लाज्म, क्या कह देते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं क्योंकि सेल के अंदर भरा हुआ है अब सेल के अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है न्यूक्लियस क्या नाम है न्यूक्लियस अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है भाई इस न्यूक्लियस के अंदर भी आपकी भरी हुई है कुछ लिक्विड ठीक है अब जो न्यूक्लियस के अंदर है केंद्रक के अंदर है तो उसको कहेंगे केंद्रक द्रव्य इसको हमने क्या कहा है? हिंदी में कोशिका द्रव्य लिख देती हूं हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य ठीक है और यहीं पर केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य इसको क्या कहेंगे केंद्रक द्रव्य और ये सिर्फ एक ही और की बात होती है याद करना कहीं सोचो दूसरी कोशिकाओं भी कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मैट्रिक्स होएगा उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्म बोल देंगे ऐसा नहीं होता उसको हम काउंट अप करेंगे प्रोटोप्लाज्म में नहीं ऐसा नहीं होता ठीक है केंद्रक द्रव्य जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियो ठीक है इन दोनों को एक साथ क्या इन दोनों को एक साथ हम दोनों को एक शब्द दे देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि वहां पे आपके पास न्यूक्लियस वाला भी लिक्विड है और वहीं पे आपका सेल वाला न्यूक्लिय लिक्विड भी है ठीक है केंद्रक के बाहर और केंद्रक के अंदर वाले लिक्विड के टोटल को हम क्या कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं जो कि यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियो लिखना था यहां पे एक्चुअली न्यूक्लियो प्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ठीक है चलो ये ध्यान रहेगा ना ध्यान रहेगा ना मुझे बता देना अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो तभी, के तभी बता देना तुरंत तुरंत ही बता देना ठीक है चलो चलो ठीक है आगे चलते हैं अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म को भी ढूंढने वाले कोई थे जिनका नाम था दुर्जा डिंग क्या नाम था दुर्जा डिंग अब इन्होंने जिस समय पे प्रोटोप्लाज्म ढूंढा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रोटोप्लाज्म है उन्होंने कहा सार कोड ये कई बार पूछा जाता है कि शार कोड किसको कहते हैं या सार कोड शब्द किसने दिया तो शब्द दिया था दुर्जा ने कहा गया था प्रोटोप्लाज्म को लेटर ऑन आपके आते हैं पुरकिंजे कौन आते हैं पुरकिंजे इसको क्या कर देते है? है, क्या, है? कोड़, कोड़, तो क्या देते है? देते हैं हैं कहते हट है जूलियस की कहता, मैं कैसे रह सकता हूं? मैं अभी तो अपना कुछ ज्ञान दूंगा तो जूलियस चीज कह देते हैं मान लो लिक्विड नहीं है लिक्विड नहीं होगा तो वहां पे आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो वहां पे सरवाइव कर पाए ठीक है इसीलिए अब मैं बताती हूं क्यों नहीं कर पाएगी उसकी भी बात करेंगे इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है याद रखना प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का क्या है आपका भौतिक आधार है क्या है भौतिक आधार किसने कहा जूलियस ने याद रखना इस चीज को ठीक है ओके चलो अभी बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की क्योंकि न्यूक्लियस में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म वहां कवर हो जाएगा यहां पे बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की यानी केंद्रक के बाहर जितनी भी चीजें हैं लिक्विड है और प्लाज्म के अंदर है अब मान लो आपने एक चीज देखी होगी ऑनलाइन तब आप ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज तो उसमें बबल रैप होके मिलते पॉलिथीन है जिसके ऊपर बबल्स होते छोटे 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 बबल्स होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि आपके सामान के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े इसलिए वो टूटे ना सेफ्टी से आ जाए वही सेफ्टी वही सेम सेफ्टी आपकी साइटोप्लाज्म की होती है इसका फंक्शन जो होता है यही होता है कि भाई आपकी ढेर सारी ऑर्गेनाइज होंगी जैसे आपका गुल्लक होता है गुल्लक में आप रुपए डालते हैं एक 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 रुपए डालते हो नोट डालते हो आपके एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे आप उस गुल्लक को उल्टा कर दो सारे के सारे रुपए एक जगह पे आ जाएंगे फिर उसको टेढ़ा कर लो इधर एक

प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन किसकी सेल ऑर्गेनली की प्रोटेक्शन के लिए ठीक है आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है साथ में साइटोप्लाज्म के लिए चीज कहा जाता है कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ना ये एरिना है सेल ऑर्गेनली का क्या है एर, एरीना है सेल ऑर्गेनली का यानी कि कोशिकांग का मैदान जैसे आप वहां पे पबजी खेलते हैं ना पबजी खेलते हैं पबजी के अंदर क्या आते एरीनास आते छोटे-छोटे एरीनास के आप उधर से एक सेम उधर साइड इंडिस्टन ऑडिशन ऑडिस्टन चलता है है ना मैदान को एरिना कहा जाता है इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म को भी क्या कहा जाता है कि मैदान को, कोशिकांग का कि ढेर सारी कोशिकांग जितनी भी कोशिकांग सारी की सारी कहाँ पे कार्य करती हैं साइटोप्लाज्म में कार्य करती हैं, ठीक है ठीके? ये याद रखना ठीक है <laughs> ऐसे ये भाई मस्जिद का माल है चलो ठीक है आगे हो गया ये क्लियर ये क्लियर हो गया अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना भाई तुरंत ही पूछ लेना ठीक है आगे आता है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे कल ठीक क्योंकि समय हो गया है पचपन का कितना हो गया है अरे बहुत पबजी खेला है भाई मैंने लॉकडाउन में खूब खूब पे पबजी खेला है हाँ हिमांशु ददरवाल आपका जो कोर्स होता है कोर्स जो है बाई लैंग्वेज ही चलता है राजस्थान नड्डा का कोई भी कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने हिंदी भी यूज की और इंग्लिश भी यूज की है यही खासियत चीज है हिंदी वाला भी पढ़ लेगा इंग्लिश वाला भी पढ़ लेगा सिंपल और अगर आप कोई भी बच्चा कोई कोर्स खरीदना चाहता है तो यहाँ पे कोड गिवन है वाई जो कि हर स्लाइड पे मिलेगा है ना इसको यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है क्या मिलता है, आपको? मिलता है जैसे कि आपको क्या करना है या तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो या फिर गूगल पे डाल दो एक चीज अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन मैंने यहाँ पे क्या डाला अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डाला बस कुछ नहीं डाला सिर्फ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ये डाला अब इसके ऊपर जो सबसे पहला लिंक आता है वो आता है अड्डा 247 इंडिया लार्जेस्ट वर्डर टेस्ट प्लेटफॉर्म है ना तो इसी पे टैप कर लेंगे हम ठीक है इस करके यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है ऑल कोर्स का किसका ऑप्शन ऑल कोर्स का जैसे ही ऑल कोर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ के बाद यहाँ पे इसके ठीक नीचे एक स्टेट एग्जाम का ऑप्शन है है ना स्टेट एग्जाम पे आप जाएंगे इसके बाद स्टेट एग्जाम में आप अपना स्टेट चूज कर ले दैट इज राजस्थान राजस्थान चूज करके आप यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे कोर्सेज है ठीक है तो यहाँ पे आपका कोर्स है के अंडर जो आपका आता है जिसको हम कहते हैं फतेह बैच क्या कहते हैं फतेह बैच इस फतेह बैच के अंदर हम क्या पढ़ाते हैं भाई जितने भी सीटी के अंडर एग्जाम्स है ना आपके क्या कहा मैंने जितने भी सीईटी के अंडर एग्जाम्स हैं सारे के सारे एग्जाम एक ही बैच से पढ़ाए जाएंगे यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एल के लिए अलग लेना पड़ेगा नहीं सुपरवाइजर के लिए अलग लेना पड़ेगा अकाउंटेंट के लिए अलग नहीं 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 बस एक बैच जो है फतेह बैच क्या नाम है भाई इसका

वन फोर वन वन फोर वन वन है चौदह सौ ग्यारह रुपए है ठीक है इसको हम कम कर सकते हैं कैसे कम करेंगे कम करेंगे इस प्रकार से कि हम यहाँ पे गोटे कूपन कोड में डालेंगे कूपन और कूपन कोड क्या होगा भाई आपका वाई फोर फोर थ्री आर वाई फोर फोर थ्री आर ध्यान रखना कोड यही होना चाहिए वाई फोर फोर थ्री आर जैसे ही आप ये कोड डालेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्काउंट और आपको डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस नया आता है वो आपको मिलता है कम से कम तीन सौ चालीस रुपए कम कुछ पैसे ही कम रह गए तो दो सौ चालीस में ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपको चौदह सौ ग्यारह का ये मिल रहा था अभी ग्यारह सो इकहत्तर का ये कुछ का मिल रहा है आपको ठीक है और इसके लिए कोड आपको एक लगाना पड़ेगा वो है सो तिरतालीस आर आप कोड लगाएंगे ठीक है और इसी के साथ सभी बच्चे सेशन को क्या कर देंगे लाइक कर देंगे भाई ऐसा नहीं करेंगे कि हम सेशन को लाइक नहीं करेंगे सेशन को लाइक कर देंगे सभी के सभी बच्चे और साथ में साथ में एक चीज और क्या कि लाइक करने के बाद कल आप जुड़ेंगे किस टाइम पर मेरे साथ कल आप जुड़ेंगे ठीक 12 बजे किस टाइम पे जुड़ेंगे 12 बजे और जो बच्चे बच्चे रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको साइंस का पोर्शन करना है तो आप चार बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ मैं लेती हूं आपसे अलविदा कल फिर मिलूंगी ठीक बारह बजे ठीक है अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं चार बजे